नमस्कार सबको, मैं हूँ राखी सावंत और मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नया वीडियो आया है मेरे वर्गा न कोई। उसमें मैंने ट्राइबल लुक्स का गेटअप किया है, अफ्रीकन ट्राइबल लुक्स। तो मैंने उसमें ये कहा है कि मैंने ट्राइबल लुक्स है मेरा। अब ट्राइबल लुक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, तो मेरे पास वो शब्द नहीं था, तो शायद मैंने गलती से आदिवासी बोला है। उसके लिए मैं तहे दिल से सभी आदिवासियों को सॉरी कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को क्षमा करें। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहा था कि किसी को हर्ट हो, है ना। लव यू एवरीवन, आप सब मेरे भाई बहन हैं, है ना। जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं वो सब मेरे भाई बहन हैं। फिर से मैं एक बार सॉरी कहना चाहती हूँ, धन्यवाद। तो आखिरकार राखी दीदी को माफी मांगना ही पड़ा। तो वही राखी दीदी जिन्होंने कुछ दिनों पहले आदिवासियों को लेकर के कुछ गंदे कमेंट्स किए थे, और जिसको लेकर के उन्होंने मजे मजे में ये बात तो कह दी कि मैं अपने आदिवासी गेटअप में कैसी लग रही हूँ, लेकिन उस बात को कहने के बाद शायद राखी दीदी को ये अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या कह दिया। और उनके इस बयान के बाद जब यह वीडियो पूरे इंडिया लेवल पे वायरल हुआ और सभी आदिवासी समाज संगठनों ने इसे देखा, तो उन्होंने सब उस पर केस फाइल करने लगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने लगे। और यहाँ तक कि झारखंड के रांची में सरना समिति ने भी उनको लेकर के एक केस मुकदमा दर्ज किया, और उसके बाद बहुत ही कम समय में पूरे आदिवासी लोगों ने उन पर केस फाइल किया। और अब इस सभी घटनाओं के बाद अब देखने को ये मिला कि राखी दीदी ने माफ़ी मांगे लिया। तो दोस्तों जोहार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मुंडारी न्यूज जगत पर, जहां पर आपको आदिवासी से जुड़े हुए हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ दिनों पहले राखी सावंत जो कि बॉलीवुड में एल्बम सॉन्ग पर डांस करती है, यानी कि नृत्यक है, एक्ट्रेस है, या फिर कहें तो हमेशा अपने कुछ अनोखे या अलग तरह के फोटोशूट और वीडियोज के कारण बॉलीवुड में चर्चित में रहती है, कंट्रोवर्सी में रहती है, तो उन्होंने अपने नए एल्बम सॉन्ग तेरे वर्गा में कुछ इस तरह के लुक में थी, जिस पर वो उन्होंने यह कमेंट कर दिया कि मैं अपने ट्राइबल लुक यानी कि आदिवासी लुक पर कैसी लग रही हूँ। और इस वाक्य के बाद जब यह वीडियो आदिवासी समाज तक पहुँचा, तो सभी ने मिल करके उन पर केस फाइल किया, मुकदमा दर्ज किया कि आप इस पर माफ़ी मांगो। और इस पर मैंने भी वीडियो बनाया था और बाकी सभी लोगों ने वीडियो बनाया था। तो उन सभी लोगों को जिन्होंने भी आदिवासी इस काम को अंजाम तक दिया है, यानी कि वीडियो बना करके लोगों को बताया है या फिर केस फाइल किया, उन सभी को मुंडारी न्यूज जगत तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आदिवासी समाज, आदिवासी जनजाति सभी एक साथ हो, ताकि अगर कोई भी आदिवासी समाज के ऊपर उंगली उठाए तो उसे जवाब देने के लिए पूरा समाज रहे। तो दोस्तों, इसी का कहीं ना कहीं नतीजा दिखा कि जब राखी सावंत ने गलती से कहे या फिर जानबूझ करके भी आदिवासी ट्राइबल के ऊपर इस तरह के कुछ कमेंट किए, तो सभी लोगों ने उनको उन पर केस फाइल किया, मुकदमा दर्ज किया, तो उन्होंने अंत में माफ़ी मांगा ही। जो वीडियो आप देख रहे होंगे भी वायरल हो रहा होगा। तो दोस्तों, यही काम करना है हम सभी को कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टार हो, बॉलीवुड स्टार हो या फिर कोई भी जाने माने हस्ती हो या नॉर्मल आम आदमी भी हो, अगर वो आदिवासी समाज ट्राइबल के ऊपर किसी भी तरह का कमेंट करता है या फिर किसी भी तरह का आपत्तिजनक बातें कहता है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक आदिवासी समाज की तरफ से हमेशा संगठन बना रहे। तो दोस्तों, राखी सावंत के माफ़ी मांगने के बाद अब यह देखा जा सकता है कि शायद केस फाइल वापस हो जाए या फिर उनके ऊपर जुर्माना वगैरह किया जाए कि उन्होंने ट्राइबल के ऊपर किस तरह से या फिर क्यों इस तरह का कमेंट किया। तो वो तो आगे के अपडेट्स में आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहें मुंडारी न्यूज जगत को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चले कि आखिर आदिवासी समाज या आदिवासी लोगों से जुड़े हुए किस तरह के अपडेट चल रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों।